और यहाँ पे आ जाता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, और इस तरह करके, और बीडी में लिखा हुआ है कि जेजुनम कॉइल्स टू जेजुनम भी आता है। अच्छा, ये पढ़ा हुआ है किडनी, इसके एंटीरियर रिलेशन में सुप्राइनल ग्लैंड आ गया, और ये लिवर का राइट लोब आ गया, लिवर का राइट लोब आ गया, और ये राइट कॉलिक फ्लेक्चर या फिर हेपेटिक फ्लेक्चर, और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये वाला, दिस वन। अच्छा जी, उसके बाद ये इंटीरियर रिलेशंस हो गए इसके कंप्लीट। अब लेफ्ट किडनी के पास चलते हैं, उसके एंटीरियर रिलेशंस में स्प्लीन आता है, ये स्प्लीन सुप्रा लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड आता है, यहाँ पे स्टमक होता है और यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। लेट मी शो यू, ये तो ये किडनी पड़ी हुई, ये सुप्रा रीनल ग्लैंड है और ये स्प्लीन है और ये पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज होगी, ये इस तरह करके पेनक्रियाज होती है, ठीक है, पेनक्रियाज स्प्लीन और ये सुप्रा रीनल ग्लैंड, और यहाँ पे ना स्टमक पड़ा होता है ये इस तरह, तो स्टमक भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है, जहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है ना, ठीक है। और बाकी ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर आता है, जिसको हम स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं, और साथ में थोड़ा सा डिसेंडिंग कॉलन भी आ जाता है, और कॉइल्स ऑफ जेजुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं ना, तो ये भी पीछे उसके एंटीरियरली इसके आ जाते हैं। सही है, ये एंटीरियर रिलेशंस हो गए लेफ्ट किडनी के। और हाँ, स्प्लेनिक वेन्स, स्प्लेनिक वेसल्स भी आ जाती हैं, ठीक है,